शंकर मिश्रा हूँ, मैं दिल्ली का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और मैं रामदास पासवान साहब और जो हमारे अभिभावक थे और चिराग जी का मैं सिपाही हूँ। आज जो बरसी है उसके उपलक्ष्य में आपका कोई खास मुद्दा भी है पार्टी के लिए? जी, पार्टी का मुद्दा तो है ही। सबसे प्रथम तो हमारे पार्टी के संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक और हम सब के अभिभावक, भारत सरकार के पूर्व मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय रामदास पासवान साहब की पुण्यतिथि है और बहुत उमंग थी कार्यकर्ताओं में, हजारों कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कई हजार कार्यकर्ता आए थे और बड़ी खुशी से उनका पुण्यतिथि मनाया गया है। और पुण्यतिथि के बाद जो बैठक होगी उसमें जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो दिया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। और कोई खास उद्देश्य है आपका? नहीं, आज का कोई खास उद्देश्य नहीं, आज तो पुण्यतिथि थी, पुण्यतिथि के बाद तो कोई खास उद्देश्य है नहीं, हम लोग सब सभी लोग उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। बाकी इसके बाद अब 8 तारीख के बाद जो भी दिल्ली की लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और हम लोग जमीनी स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर जुड़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले टाइम पे MCD चुनाव और जो भी चुनाव है उसमें हमारी पार्टी बहुत जोर शोर से लड़ेगी। MCD में कितने उम्मीदवार हैं? पूरे 272 पे लड़ेंगे, पूरे 272। उसमें आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल 40-50 सीट जीतेंगे। इस बार लोजपा, ये नई लोजपा है, ये नई लोज जनशक्ति पार्टी रामविलास है और अभी इनको हमारे को चुनाव आयोग ने धन्यवाद है चुनाव का, जो चुनाव चिन्ह हमें हेलीकॉप्टर मिला है। हम लोग बड़ी मुस्तैदी से सभी लोग लगे हुए हैं, मेरे जो भी टीम है वो सभी बहुत अच्छे जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोग वार्ड लेवल बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं और विश्वास है हमें कि हमारे पूर्वांचल, बिहार पूर्वांचल प्रवासी के वोट से केजरीवाल जी आज सरकार में बने हुए हैं और उन्हीं का शोषण कर रहे हैं, तो हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करके और उनकी जो ये सत्ता है उसको उखाड़ेंगे। MCD के बाद आपको आने वाले समय में दिल्ली में जो भी सरकार किसी की भी बनेगी उसमें लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान पार्टी की अहम भूमिका होगी। केजरीवाल तो फ्री बिजली पानी दे रहा है आपको? हाँ, दे रहा ना फ्री बिजली पानी, घरों में लोगों के पानी घुस गए और बिजली के बिल एक महीने में कुछ होता अगले महीने में डबल हो जाता है, तो माफ़ तो कर ही दिया उन्होंने। आप जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से पूछिए माफ़ हुआ कि नहीं हुआ, उन घरों में जाइए जहाँ पूछिए कि आपके घर में पानी फ्री है, पानी घुस गया फ्री। वो तो लोग तो परेशान है लेकिन उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? करेंगे, आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, फिर आइएगा, फिर बैठिएगा, फिर हम लोग फिर मीटिंग रखेंगे, उस पर करेंगे चर्चा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पार्टी इसी हिसाब से चलती रहे। जी जी।